हमारा इसमें लैम्बोर्गिनी का इंजन लगा हुआ सर, ये जो बहुत ही हमारा हाई क्वालिटी का और डेफिनेशन ही खत्म हो जाती है सर इंजन की आके, और लैम्बोर्गिनी आप देख लें तो ये हमारा फुल्ली लोडेड एसी है। ऐसे मैम बेलारूस ट्रैक्टर में ऐसा कहा जाता है कि इसको दादा लेता है और पोता पोते पोते चलाते हैं इसको, तो लाइफ टाइम की मतलब ये ट्रैक्टर वाले हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा फार्म हाउस, आपके साथ मैं हूं अलीशा चुनेजो। तो इस समय हम मौजूद हैं बेलारूस में, तो आज हम आपको बताएंगे बेलारूस द्वारा बनाए गए ट्रैक्टर्स के बारे में कि इनके ट्रैक्टर्स में क्या क्वालिटीज़ हैं और वह किसान के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित है, किसान इससे किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार जी किसान भाइयों, मेरा नाम राजविंदर सिंह है सर और मैं बेलारूस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर हूँ सर। आज हम आपको जो हमारे इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स हैं और जो हमारी इम्प्लीमेंट की सीरीज है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये हमारा बेलारूस ट्रैक्टर है 622, इसमें यह 622 है, ये हमारा 62 का हॉर्स पावर का ट्रैक्टर सर, और ये थोड़ा बहुत कम्पैक्ट सीरीज है सर। देखने वाले बोलेंगे लगता है ये 35 का 30-35 का लगेगा, इतना छोटा मतलब कम्पैक्ट सीरीज है सर। तो ये हमारा इसमें लैम्बोर्गिनी का इंजन लगा हुआ सर, ये जो बहुत ही हमारा हाई क्वालिटी का और डेफिनेशन खत्म हो जाती है सर इंजन की आके, और लैम्बोर्गिनी आप देख लें तो ये हमारा फुल्ली लोडेड एसी है। इसमें 4x4 इसमें ड्राइव है सर। इसमें मैम हमारा इसमें आप वेट अगर लगाना चाहते हैं आगे तो लगा सकते हैं। इस ट्रैक्टर में एक एक वाशल से लेके एक एक नट तक हमने यहाँ से बेलारूस से ये इंपोर्ट किया हुआ है। ये तो ये आप टायर देखिए प्लीज़, और इनमें देखो ये फ्रंट में दो यहाँ पे हाइड्रोलिक पॉइंट लगे हुए यहाँ पे जी, दो साइड हैं, दो उस साइड हैं और 4 पीसें हैं इस साइड का। मतलब ऐसा है कि आप कोई भी आगे वाला लोडर वाला आगे वाला कोई इंप्लीमेंट लगाना है तो जो हाइड्रोलिक से ड्राइव होता है वो आप उससे कर सकते हैं। इसमें आप आगे देखिए आके इधर 2 स्पीड है सर, हाई और लो के, यहाँ पे लो स्पीड आई और इधर हाई स्पीड होगी सर। और ये इसी टाइप है, इसमें सनरूफ है सर, आप एक बार आगे घुमा लीजिए एक बार पूरा। तो इसमें सनरूफ भी है ऊपर? यस सर, ट्रैक्टर में सनरूफ भी है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो ये प्रोडक्ट है किसान भाई इसे किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो एग्रीकल्चर के लिए आपको जो हैवी ड्यूटी के लिए जो इम्प्लीमेंट चाहिए आपको, जैसे हमारे इम्प्लीमेंट आगे सुपर सेट चल रहे हैं, रोटावेटर चल रहे हैं, एम बी प्लाव चल रहे हैं, लेजर लेवल चल रहे हैं, ये आने वाले टाइम में और बड़े रेंज में आने वाले हैं, तो उसके लिए बड़ी हॉर्स पावर के और बड़े ट्रैक्टरों के ज़्यादा ट्रैक्टरों के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये बेलारूस है कि ये इसकी डेफिनेशन यही है कि एक बस तो मतलब पावर तो बेलारूस, ठीक है सर। तो लोगों ट्रैक्टर नहीं इसको बेलारूस भेजा, बेलारूस आप यहाँ पे कहने बाइलार्स लगाओ तो खींचेगा ना, इन्होंने कोई बड़ा बाइलार्स खींचेगा आगे तो ये डेफिनेशन यही है कि बस तुम्हें पावर था बेलारूस। जो इसकी जो बॉडी है ये किस स्टील की बनी हुई है या किस तरीके से बनी हुई है? सर स्टील की हमारा ये देखिए सर, हमारा ये इसमें सर हमारा सारा फाइबर यूज हुआ है सर। ये मोस्टली कंपनी क्या करती है सर, इसमें हम शीट मेटल यूज़ कर लेती हैं सर। शीट मेटल में अगर एक बार डेंट पड़ गया तो सर उसके लिए मतलब किसान के लिए पैसा बहुत लगाना पड़ता है, वही डेंट लगेगा। इसमें आप कोई भी चीज़ मारिए अनब्रेकेबल है सर यहाँ पे। इसकी बैक के बारे में देखते हैं कि ये बैक को कैसे यूज़ किया जा सकता है, किस किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं किसान भाई इसे? जैसे मैम आप देख रहे हो इसमें 2 टंकी यूज़ होती हैं और ट्रैक्टर में 1 ही टंकी यूज़ होती है। इसमें इधर इस साइड ये एक हो गई और दूसरी साइड ये हमारे टायरों के ऊपर ही है, इसमें फ्रंट पे नहीं आती है। तो टायरों के ऊपर का मतलब ये है भी आप कोई पीछे बड़ा इम्प्लीमेंट लगाएंगे, कोई हैवी वाला ड्यूटी लगाएंगे, हैवी ड्यूटी वाला इम्प्लीमेंट लगाएंगे तो सारा मतलब उसके पावर के लिए टायरों पे ये प्रेशर देने के लिए मतलब बैलेंस बनाने के लिए ये टंकी दी गई सर, और दोनों एक ही साथ यहाँ पे चलती हैं। और हाइड्रोलिक की इसमें 4 पॉइंट रखे हैं, मतलब आप कोई भी हैवी ड्यूटी वाले इंप्लीमेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पीछे में आगे में 4 तो आपने देख लिए पहले ही, और पीछे वाले 4 ये हो गए। मतलब इसमें टोटल कितने 8 हाइड्रोलिक 5 पॉइंट, और जो हमारे इंडियन नेम ट्रैक्टर में नहीं आती है। और आप इसमें देखिए ये वाली, ये सारे आपने किसी में भी इस पार्ट में आपको वेल्डिंग नहीं मिलेगी, चाहे आप इस पार्ट को देख लो, चाहे इस पार्ट को देख लो, आप इस पार्ट को देख लो, इवन कि आप वहाँ पे ये पार्ट देख लो, ये वाले जो आप आर्म देख रहे हो इसमें भी नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो ये सारी फॉर्जिंग पार्ट है सर। अच्छा, तो जो इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है? इस प्रोडक्ट की कीमत देखो आज के टाइम पर चल रही है 18 लाख, जो आने वाले टाइम में कम भी हो सकती है, वो कस्टम ड्यूटी ऊपर डिपेंड होती है सर, ये इम्पोर्टेड है मैम, आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा भी हो सकती है कि। और हमारे साथ मौजूद है हरियाणा से किसान भाई जिन्होंने ये पहला ट्रैक्टर यहाँ से ख़रीदा है, तो आइए इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने ये ट्रैक्टर क्यों ख़रीदा है, ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जो इन्हें इस ट्रैक्टर में अच्छी लगी। मेरा नाम मैडम दलबीर सिंह मान है, मैं हरियाणा जिला भिवानी का रहने वाला हूँ। सर आपने ये जो ट्रैक्टर ख़रीदा है इसको ऐसी आपको क्वालिटीज़ लगी इस ट्रैक्टर में कि जो आपने इसे परचेज़ की है? क्वालिटीज़ की बात तो मैडम ये है, हमारे जो बूढ़े थे वो रखा करते रशियन ट्रैक्टर, तो हमें विरासत को दोबारा से संभालना था, इसलिए हमने ये नया ट्रैक्टर खरीदा।
लेते हैं। वैसे मैम बेलाउस ट्रैक्टर में ऐसा कहा जाता है कि इसको दादा लेता है और पोते चलाते हैं इसको, तो लाइफ टाइम की मतलब ये ट्रैक्टर वाले हो जाते हैं। अभी कीमत लोग देखते हैं कोई बात नहीं, ज़्यादा होती है, पर आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बताते हैं, के बारे में जानते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ हैं और अभी ये पहला प्रोडक्ट बिका है। इसमें भी आप देखिए ये दो टंकी लगी हैं, इसमें ये पॉइंट एक ही टंकी का, उसमें टंकी दो लगी होती है सर। इसमें भी आप देख लीजिए भी यहाँ पे कोई भी आपको वेल्डिंग का पार्ट नहीं मिलेगा आपको, ये आपको सारी हैवी ड्यूटी की भी मिलेंगी। इसमें दो स्पीडें आती हैं, 1000 RPM पे और 540 RPM पे, और ये आप देखिए हैवी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, और इसमें दो हाइड्रोलिक पॉइंट लगे हुए हैं पीछे, और ये हमारे लिंकेज होगी पॉइंट इसमें, ठीक है मैम। और इसमें आइए हमारा मरकाट है, वो ये प्लास्टिक कैसा रहेगा, कई किसान भाई बोलते हैं ये प्लास्टिक का क्यों लोहे का क्यों नहीं है, तो आप बताना चाहिए। देखो ये कंपनी की ऐसी है कि मेंटेनेंस बहुत कम हो, अगर लोहे का लगा देंगे कहीं पे कहीं लग गया है, क्योंकि हैवी ट्रैक्टर है कहीं पे कोई डैमेज वाला आ गया, तो वो पैसे दिए बिना नहीं ठीक होएगा। अगर ये वहाँ पे आप मोड़ भी दोगे इसको पूरा ऐसे, तो ये टूटेगा नहीं, अनब्रेकेबल है ये, फ्लेक्सिबल है पूरा, ये फ्लेक्सिबल ऑन करके ये टूटेगा नहीं ये। तो आपको ये टायर देखने के बाद, ये भी टायर हमारे बेलशीना के बारे हैं, 15.5 रेडियल टायर हैं ये, 38 के टायर हैं ये हमारे बेलशीना कंपनी के टायर हैं, और इन पीछे वेट दिए गए इन पे यहाँ पे, जो हमारे इंडियन ट्रैक्टर में भी जाते थे। आप देखें इनमें चार फ्रंट पे हैं, इसमें दो, और ये 4x4 की हमारी रॉड आ गई। तो जो इन्होंने बताया कि जो इस ट्रैक्टर में सबसे अट्रैक्टिव है वो इसका फ्रंट है, तो हम एक बार इसका फ्रंट दिखाएंगे कि जो फ्रंट है वो कितना अट्रैक्टिव है। आप इसकी फ्रंट वाली देखिए, 4x4 की फ्रंट वाली, यहाँ पे एक्सल देखिए कितना हैवी है, आपको कहीं भी कोई वेल्डिंग वाले पार्ट नहीं मिलेंगे, सारे फॉर्जेड और कास्टिंग वाले पार्ट नहीं मिलेंगे आपको। लगे हुए हैं सर इसमें 6 हाइड्रोलिक है जी। इसमें देखिए टायरों में हवा भी खुद ही भरता है, ये टायर कंप्रेसर लगा होता है, ये देखो ये, तो ये किसान भाइयों को शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है टायरों के हवा भराने के लिए, ये खुद ही खुद आप इसमें हवा फिल हो जाती है मैम। तो इन्होंने हमें बताया कि जो ट्रैक्टर्स हैं इसमें खुद ही हवा भर जाती है कंप्रेसर के माध्यम से, लेकिन बाकियों के लिए किसान भाइयों को हवा भरवाने के लिए विभिन्न दुकानों पर जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी इसमें क्वालिटी है, ट्रैक्टर में बैठने वाली फीलिंग वो बिल्कुल ना लग्जरियस कार की फीलिंग है, बिकॉज इसमें जो ऊपर सनरूफ भी है, एयर कंडीशन भी है, और अच्छा सारा अच्छा सेटलमेंट है, और जैसे कि सनलाइट के लिए गाड़ी में होता है बना हुआ, तो ये भी है, आप इसे कवर कर सकते हैं अगर आपको धूप आ रही हो, आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फाइबर बना हुआ है वो सारा सेफ्टी के लिए है, जो कि बहुत अच्छा है, और पीछे से इसे ओपन भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा अच्छी क्वालिटी है इसमें, और ये डिफरेंट है। इसमें म्यूज़िक सिस्टम भी है, इसमें अच्छा म्यूज़िक सिस्टम भी है, तो एक इसकी जो फीलिंग है वो बहुत एक लग्जीरियस कार की है, देखा जाए तो बहुत अच्छी फीलिंग है। तो ये मानना है कि ये जो ट्रैक्टर है फुल पैसा वसूल वाला है, बिकॉज इसमें हर क्वालिटी है इस ट्रैक्टर में, जो एक अच्छी गाड़ी में होती है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है इसमें बैठ के, एसी भी है और सनलाइट के लिए भी है। तो इसमें जैसे कि हमारी गाड़ी में वाइपर्स होते हैं कि जैसे कुछ धूल मिट्टी लग जाती है तो वाइपर के माध्यम से साफ़ कर लेते हैं, तो इसमें भी वो प्रॉपर है, अच्छा बना हुआ है, अच्छा स्पेस है यहाँ पर तकरीबन। तो अभी हम आपको इस ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसकी आवाज़ है, क्योंकि हरियाणा के किसान ने इसे ख़रीदा है, तो मुझे तो लगता है इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धाकड़ होगी, तो अभी देखते हैं। ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धाकड़ है, बहुत तेज़ है, तो सर आप बताइए कि जो इस प्रोडक्ट में जो आवाज़ है वो बहुत ही धाकड़ है, जैसे हमारे हरियाणा में धाकड़ वर्ड, तो आप बहुत धाकड़ आवाज़ है ये, हमें पहले भी चलाते थे हम ये ट्रैक्टर, जो हमारे पास पहले भी होते थे, तो वो हमारी गलतियाँ रह गई, हमने उनको सेल कर दिया, ये दोबारा से विरासत को संभाला है। तो बस अब आप अपने अपनी गलती सुधार लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो हेड हैं वो मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि ये अब और कौन से नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं हमारे किसानों के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग विद आवर स्टॉल। हम बेलारूस के और नए प्रोडक्ट जो हमने 2 दिन पहले सर्वे किया है, या लोगों की जो फीडबैक है उसके बेस पे हमें रिक्वायरमेंट है लोगों की 510 मॉडल और 512 मॉडल की,
उसका एक इम्प्रूव्ड वर्शन हमारा आ रहा है। हमारी कल ही गोमशल मैच और बेलारूस की टीम रशिया से इंडिया आई थी और उनके साथ हमने ये मैटर टेकअप किया है और इस ये दोनों के सोल्यूशन में एक और इम्प्रूव्ड वर्जन है जो बेलारूस का 455 मॉडल है, उसमें ये सारी इम्प्रूवमेंट्स हम डाल के ला रहे हैं और वो भी दिसंबर एंड तक अपने इंडिया में आने की हमारी पॉसिबिलिटी है कि लोगों के यूज़ के लिए 10 बेलर उसके ब्रांड पे होगा। और ये तो हमारा बहुत प्रीमियम मॉडल है जो कि 100% इम्पोर्टेड मॉडल है, इम्पोर्टेड वर्जन सीरीज इसको बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों की हमारी फीडबैक ऐसी आई थी कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव करने के लिए हम इंडिया में उसको एक कह सकते हैं कि लो कॉस्ट वर्जन में भी हम लॉन्च करेंगे जिसमें ऐसा होगा कि CKD सिस्टम हम यूज़ करेंगे। तो मतलब इन्होंने इसकी रेंज इसलिए कम कर दी है बिकॉज सब किसान इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं, तो इन्होंने उसका रेंज कम कर दिया। उसका एक सोल्यूशन हमने मिलके बेलारूस के साथ डिसाइड किया है जिसमें होगा कि ट्रांसमिशन इंजन और जो इसका गियर है वो बेलारूस से रशिया से आएगा और उसको असेंबल हम करेंगे इंडिया में और जो वेयर टेयर कंपोनेंट है जैसे टायर्स हो गए, बैटरीज हो गई या और एक्सेसरी पार्ट हो गई वो हम इंडिया में अरेंज करके उसको एक लोकेशन में हम असेंबल करेंगे और उसकी कॉस्ट इससे ऑलमोस्ट 20-30% नीचे आ जाएगी और वो एक अफोर्डेबल रेंज में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मेरा फार्म हाउस पे आपको बेलारूस के ट्रैक्टर्स के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, तो आइए अब हम इनसे जानते हैं कि इन्हें हमसे बात करके कैसा लगा। आपके साथ हमें डिस्कस करके बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुई क्योंकि आप हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम आपके चैनल का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं इसके लिए और हमारे चैनल में हमारे स्टॉल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और आपका मेरा फार्म हाउस है जो बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, तो मैं किसान भाई से बोलता हूँ आप इनको देखें और हमारी वीडियो को भी आगे से शेयर करें और हमारे ट्रैक्टर की जो रियल बातें बताई आपको मैंने तो आप उनको जनता करें। इन फ्यूचर में आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है आप हमारे हॉटलाइन नंबर जो है हमारे कस्टमर केयर नंबर है और जो हमारा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर हम चैनल के साथ शेयर कर रहे हैं उस पर आप इंक्वायरी अपनी डाल सकते हैं और हमें खुशी होगी कि हम आपकी सेवा कर सकें। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे किसी नए प्रोडक्ट और मशीनरी के क्वालिटीज़ के साथ, तब तक देखते रहें मेरा फार्म हाउस। धन्यवाद।